नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और वक्त हो चुका है उत्तराखंड के खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड का। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के छठवें दौरे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज देहरादून पहुंचे। चुनावी बिगुल फूंका। परेड ग्राउंड में उन्होंने उत्तराखंड नव निर्माण के लिए नव परिवर्तन अभियान का शुभारंभ भी किया, जिसके बाद केजरीवाल ने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से सबसे ज्यादा लोग भारत माता की सेवा करने जाते हैं। ये शहीदों, देशभक्तों और वीरों की भूमि है। उत्तराखंड से कोई भी जवान, चाहे वो फौज से हो, पैरामिलिट्री फोर्स से हो या पुलिस से हो, जो देश सेवा करते हुए शहीद होगा, उनके परिवार को हमारी सरकार 1 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि मुहैया कराएगी। भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तराखंड से होती है। सबसे ज्यादा लोग उत्तराखंड के जाते हैं भारत की फौज में। अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, और अपने देश की सुरक्षा करते करते न जाने कितने लोग उत्तराखंड की धरती के, कितने लोग शहीद हो गए। शहीदों की धरती है ये, वीरों की धरती है ये, देशभक्तों की धरती है। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मानपूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देकर आए। वहीं उत्तराखंड में आज से 15 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके तहत राज्य के पौड़ी, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसको लेकर बच्चों में भी खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों की भीड़ भी देखने को मिली है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, ऋषिकेश से तस्वीर है, नैनीताल से, पौड़ी से, रुद्रप्रयाग से, सितारगंज से और हल्द्वानी से तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूरे उत्तराखंड में आज बच्चों को संजीवनी बांटी जा रही है, वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ऐसे में आज से 15 साल से लेकर 18 साल के बीच के बच्चों के बीच आज कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, जो कि दरअसल संजीवनी का काम करेगी। ये कोरोना से लड़ाई का ये एक हिस्सा है। पिछले साल देखा है कोरोना से क्या हाल हुआ है देश का। मुझे भी कोरोना हुआ था, इसलिए मैं आज पहली दिन यहाँ आया हूँ ताकि एक प्रिकॉशन हो जाए और लोगों को ये संदेश भी मिलना चाहिए कि वैक्सीन लें, जल्द से जल्द टीकाकरण हो, हम कोरोना को हराएं और पहला ऐसा देश बने जो कोरोना मुक्त हो। कि इस समय बहुत ज़रूरत भी है इस चीज़ की, और बहुत समय से प्रतीक्षा की जा रही थी कि जो हमारे बच्चे अभी तक अनवैक्सीनेटेड थे, क्योंकि काफ़ी बड़े मास को हम लोग वैक्सीनेट कर चुके थे और हमारे लिए अगर देखा जाए अभी सबसे कमज़ोर कड़ी जो थी हमारे बच्चे ही थे जिनका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, और इसके लिए बच्चों में बहुत भरपूर उत्साह था। और जैसे ही हमने कार्यक्रम आज किया है, हम वृद्ध स्तर से इसकी लॉन्चिंग करा रहे हैं, जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग लिया जा रहा है, प्रशासन का सहयोग लिया जा रहा है, और स्कूल प्रबंधन और आम जनता और बच्चों के अंदर एक बड़ी खुशी की लहर सी है और बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज सुबह अभी थोड़ी देर में देखते देखते ही लगभग हमारे 60 वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लगातार हमारे बच्चे अभी यहाँ पे आ रहे हैं और लगभग 20-22 को हम वैक्सीनेट अभी तक कर भी चुके हैं। और हर जगह से जहाँ जहाँ भी मैं टेलीफोन पे पूछ रहा हूँ तो हर जगह बड़ा अपार उत्साह बच्चों में नज़र आ रहा है और सभी लोग आ रहे हैं वैक्सीनेट। 15 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, जो भारत के भविष्य हैं, ये नौनिहाल हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर कि जो हमारे ये नौनिहाल हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं, इस उम्र में अगर इनके लिए सही वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हर घर, हर प्रत्येक घर में, चाहे वो कोई भी कार्यालय हो, चाहे वो कोई भी कैंपस हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे कहीं भी हो, वो बच्चा कहीं भी हो, पूरी तरीके से सरकार की तरफ से ये निर्देशित है कि ऐसा कोई भी बच्चा जो 15 से 18 वर्ष की आयु का है, इस वैक्सीनेशन से न छूट पाए। और आज इसी कड़ी में सेंट थॉमस विद्यालय में मैं आया हूँ और पौड़ी विधानसभा का आज हम लोगों ने यहाँ पे शुभारंभ किया है। मुझे बड़ी खुशी है।
देखिए कि सरकार द्वारा जो है कि 15 से 18 तक के बच्चों के लिए आज वैक्सीनेशन का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर प्रारंभ हो गया है। इसी कार्यक्रम में मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि 28 दिन बाद जो है कि दूसरी डोज लगेगी, कोवैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही है। आप देखिए कि जो यहाँ पर बच्चे आप देख ही रहे होंगे, 15 से 18 तक के बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और अधिक से अधिक लोगों को, मैं नागरिकों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं और अपने बच्चों को 15 से 18 की उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। भाई ये जो वैक्सीनेशन है ये भेड़ प्रोग्राम है और ये आज ही से शुरुआत है ऑल ओवर इंडिया। और यहाँ पे जो प्लानिंग की गई है 1200 बच्चों को वैक्सीनेशन आज होना है, 15 से 18 से बीच के जो 1200 बच्चे हैं उन सबका वैक्सीनेशन होना है। तैयारी पूरी चल रही है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इसमें पूरे जनपद में लगभग 7000 बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। लगभग 357 हमारे स्कूल्स हैं जहाँ के जिस विद्यालय के बच्चों का यहाँ पर वैक्सीनेशन होना है। उसके लिए हम लोगों ने लगातार एक रोस्टर भी हमारा जारी हो गया है पूरे सप्ताह भर, और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोग बच्चों का वैक्सीनेशन कराएँ। कर्णप्रयाग में दिनों दिन बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज कर्णप्रयाग और गौचर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता तंग हो चुकी है, इसका खामियाजा बीजेपी सरकार को 2022 के चुनावों में भुगतना पड़ेगा। तो कर्णप्रयाग से तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और साथ ही साथ पुतला भी दहन किया है। तो महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया, इसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कर्णप्रयाग से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की है। कर्णप्रयाग के साथ ही हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राज्य सरकार का पुतला फूंका, जहां उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार और अवैध खनन के कई आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार खनन के नियमों का पालन नहीं कर रही और सरकारी विभागों में मनमाने तरीकों से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई पूरे देश में बेतहाशा बढ़ रही है, आम आदमी की पकड़ से उसके आजीविका के संसाधन बाहर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार जो है गाल बजा रही है खाली के विज्ञापनों के माध्यम से कि हमने इतना रोजगार दे दिया, जनता खुश है। आज उस जनता की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में सड़क में है, उसी के तहत आज हल्द्वानी में भी यहाँ पुतला दहन हुआ है प्रदेश सरकार का। और हमने मांग करी है कि बेरोजगारी कम की जाए, जो पलायन पहाड़ से हो रहा है उसको कम किया जाए, और जिस तरीके से ये खनन का एक यहाँ पर लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके खिलाफ ये आज पुतला दहन हुआ है। आसमान पार कर चुकी है, आय के साधन आधे हो चुके, महंगाई 4 गुना हो चुकी है, ये वास्तविकता है, असलियत है समाज में जिसका सामना करना पड़ रहा है आम नागरिक को, और जिसकी वजह से और बेरोजगारी की वजह से और साथ साथ ये जो भ्रष्ट पूरा तंत्र मंत्र चल रहा है, जिस प्रकार से सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, खनन का खेल हो, शराब का खेल हो, अन्य चीज़ों में जो खेल हो उसमें सरकार एक कदम पीछे नहीं ले रही है और एक कदम आगे बढ़ाने को जनता की किसी भी परेशानी को तैयार नहीं हो रही, एक कदम बढ़ाने को। साथ ही साथ उधम सिंह नगर में भी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। तस्वीरें उधम सिंह नगर की है जहाँ पर बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन को अंजाम दिया, साथ ही साथ उन्होंने जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। है कि हम भारी बहुमत से 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं और जितने चैनल्स हैं आप देखिएगा किसी ने कम कर नहीं आका, हम इक्का दुक्का पहले पहले कह रहे थे, आज तो टाइम्स नाव हो चाहे कोई भी हो क्लियर मेजोरिटी, अच्छी मेजोरिटी हमको दिखा रहे हैं, हम और मेहनत कर रहे हैं ताकि अब की बार 60 पार वाला फार्मूला हमारा लागू हो सके। महंगाई के खिलाफ यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला फूंका है, देश को जो कहकर कि यहाँ पर महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, आज गैस सिलेंडर 950 रुपया मिल रहा है, सरसों का तेल 200 पार है, डीजल पेट्रोल 100 के पार है, गरीब व्यक्ति बहुत त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के लोग विजय संकल्प यात्रा निकालने में मस्त है।
मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या महंगाई पे इन्होंने विजय पाई है, क्या बेरोजगारी पे इन्होंने विजय पाई है, क्या किसानों की खुशहाली पे इन्होंने विजय पाई है, क्या महिलाओं की सुरक्षा में विजय पाई है, क्या भ्रष्टाचार पे इन्होंने विजय पाई है। सिर्फ विजय संकल्प यात्रा निकलने में मस्त, आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी। वहीं ऋषिकेश में लगातार बढ़ रही महंगाई के मुद्दे को लेकर भड़की कांग्रेस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। कांग्रेस ने रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन के बाहर राज्य सरकार का पुतला फूंका, साथ ही साथ बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया है। आरोप लगाया कि सरकार केवल खनन और भ्रष्टाचार में लगी है, महंगाई चरम पर है, जनता त्रस्त है और सरकार मदमस्त है। आज जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के आदरणीय गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर समस्त उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बाजू में काली पट्टी बांधकर और भाजपा सरकार का पुतला दहन करने का काम किया जा रहा है। जो भाजपा सरकार द्वारा जो है हमारे युवाओं को छलने का काम किया जा रहा है, जो लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी है, भाजपा सरकार इसको बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है। भाजपा सरकार जब सत्ता में बैठी थी तो उसके द्वारा हमारे युवाओं को यह कहकर बरगलाया गया था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि आज स्थिति वह है कि भाजपा सरकार ने देने की बजाय युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया है। और तो और लगातार जो है महंगाई को काम कार्य जो है भाजपा सरकार कर रही है। वहीं बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा आज रुद्रपुर पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता इस यात्रा में मौजूद रहे। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के जरिए जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। तो उधम सिंह नगर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विजय संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। आज ये विजय संकल्प यात्रा रुद्रपुर पहुंची, बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा जगह जगह पहुंच रही है और ऐसे में आज ये रुद्रपुर पहुंची है। है कि हम भारी बहुमत से 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं और जितने चैनल्स हैं आप देखिएगा, किसी ने कम कर नहीं आका हमको। इक्का दुक्का पहले पहले कह रहे थे, आज तो टाइम्स नाउ हो चाहे कोई भी हो, क्लियर मेजोरिटी, अच्छी मेजोरिटी हमको दिखा रहे हैं। हम और मेहनत कर रहे हैं ताकि आपकी 60 पार वाला फार्मूला हमारा लागू हो सके। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री पूजा नंदा ने कार्यक्रम का संचालन किया, जिसमें होनहार छात्राओं को शील्ड देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा महिलाओं को सम्मानित किया है। तस्वीरें रुड़की से हैं, जहां महिला महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। ये आयोजन विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर किया गया था, जहां पर महिलाओं को सम्मानित किया गया। ऐसे में विधायक ने कहा कि बीजेपी हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान करती रही है। दिया गया था कि आज सभी महिलाओं का सम्मान किया जाए, महिलाओं को यहाँ पर जो है सम्मानित करा। हम लोगों ने जो कोरोना में काम किया, भोजन माताओं को, टीचर्स में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी महिलाएं यहाँ पर आई और बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर दी। देशभक्ति किससे उत्प्रोत होकर बच्चे जो है कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी देश से प्यार करते हैं और राष्ट्रहित में सभी संकल्प लेना चाहते हैं कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है और देश की जो विकास रास्ता है उनको हमें सबक सिखाना है, एकजुट होकर हमें आगे बढ़ना है और देश के प्रति प्यार करना है। कालाढूंगी के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 10वीं और 12वीं की छात्राओं को मोबाइल टैबलेट का वितरण किया गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कालाढूंगी में छात्राओं को निशुल्क टैबलेट बांटे गए। टैबलेट वितरण कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत ने छात्राओं को टैबलेट बांटे हैं। टैबलेट वितरण कार्यक्रम में आए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि निःशुल्क टैबलेट वितरण से बच्चों के भविष्य पर अच्छा असर पड़ेगा। तस्वीरें कालाढूंगी से है, जहां पर मोबाइल टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 10वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं के बीच मोबाइल टैबलेट बांटे गए। ऐसे में वहां पहुंचे कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत ने कहा कि बच्चों के भविष्य पर इससे अच्छा असर पड़ेगा। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को
सरकार द्वारा निःशुल्क टैबलेट देने के कार्यक्रम का उद्घाटन 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में किया और सभी विद्यालयों में भी उस दिन कार्यक्रम हुआ। यहाँ से मेरे को भी यहाँ आना था लेकिन उस दिन कार्य व्यस्तता के कारण यहाँ कार्यक्रम नहीं हो पाया था। अभी बहुत सी जगह और जगह भी नहीं हो पाया है, तो आज यहाँ पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कालाढुंगी में हमारे खंड शिक्षा अधिकारी भास्करानंद पांडे जी हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, प्रबंधक हैं और सभी लोग हैं, इनके बीच में यहाँ के इंटर और हाई स्कूल के बच्चों को निःशुल्क जो टैबलेट दी जा रही है वो बांटे गए हैं। निश्चित रूप से इससे बच्चों के भविष्य में अच्छा असर पड़ेगा, बच्चे अच्छे पढ़ेंगे और सरकार ने ये मुहैया बच्चों को देखते हुए दी है। चमोली में श्री दर्शन महाविद्यालय ऋषिकेश के संस्कृत छात्र सेवा समिति की तरफ से सुंदरकांड पाठ और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षाविद स्वर्गीय गिरधर प्रसाद सिलोड़ी की 19वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चारण के साथ गुरु पूजन से की गई। इसके बाद सुंदरकांड का पाठ किया गया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ शिक्षाविद आचार्य बालकृष्ण उपाध्याय ने कहा कि स्वर्गीय गिरधर प्रसाद सिलोड़ी का संपूर्ण जीवन समाज और शिक्षा के लिए समर्पित रहा। उनका सादा जीवन, उच्च विचार हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। संस्कृत सेवा के माध्यम से जो है यहाँ पे जो है कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है और यहाँ के जो है दर्शन विद्यालय के पूर्व छात्र, वर्तमान छात्र और जो निवर्तमान छात्र हैं वो भी, और हमारे विशेषकर जो है संजय शास्त्री जी जो इस विद्यालय के प्रबंधक हैं वो समय समय पर आकर जो है हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। और इस गंगा के तट पर भागीरथी के दक्षिण तट पर जो है स्वर्गीय श्री गिरधर प्रसाद जी की पुण्यस्थली, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ है सिलोड़ा गाँव चमोली में हुआ है। आचार्य गिरधर प्रसाद सिलोड़ी जी का जीवन संपूर्ण राष्ट्र चेतना और समाज निर्माण दो केंद्रों पर आधारित उनका चिंतन था और इसके लिए गुरुजी ने एक क्षेत्र चुना, संस्कृत विद्यालय के छात्रों को उनके अंदर एक धर्म की स्थापना के लिए एक भूमिका तैयार करना और दूसरा स्वयं अपने जीवन को राष्ट्र के लिए संघ के माध्यम से गुरुजी ने पूरा जीवन इसमें अपना लगाया। यहाँ पर मैं देखता हूँ हमारे दशम महाविद्यालय में जैसे कि आज मैं उस दायित्व को मैं निभा रहा हूँ, तो गुरुजी प्रातः काल से लेकर के 4 बजे से और रात 10 बजे तक पूरे दिनचर्या छात्रों की हमारी ऐसी हुआ करती थी जब हम विद्यार्थी थे कि जैसे फौज में रंगरूट होती है, बस वो स्थिति होती थी, एक मिनट का समय नहीं होता था। लोड़ जी का भतीजा रहा हूँ और मेरे ताऊ जी जी उनकी हर साल पुण्यतिथि का कार्यक्रम करते हैं। लक्सर के अलावलपुर गांव के पास बाणगंगा और नीलधारा गंगा में चुगाना खनन का एक पट्टा चल रहा है, जिससे खनन से भरे ओवरलोड वाहन निकल रहे हैं जिन पर प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है। सड़क पर दौड़ रहे इन ओवरलोड वाहनों से हर किसी की जान को खतरा बना हुआ है। हाल ही में लक्सर आए DGP अशोक कुमार ने पुलिस को सख्त हिदायत देते हुए कहा था कि सड़क पर ओवरलोड वाहन नहीं दौड़ने चाहिए, लेकिन उनकी हिदायत का भी पुलिस प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ, जिसका परिणाम आज देखने को मिला। आज एक ओवरलोड वाहन ने एक गाय की जान ले ली। गुस्साए ग्रामीणों ने भोगपुर गांव के बीच में सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद लक्सर पुलिस सहित हरिद्वार से तहसीलदार शालिनी मौर्य मौके पर पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद प्रशासन जाम खुलवाने में कामयाब हो सका। घटना ये घटी है माननीयवर, सुबह के टाइम पर यहाँ जो है भोगपुर में जो है ओवरलोड जो है डंपर निकल रहे हैं, बहुत तबाही मचाई हुई है उन्होंने, जिस लावलपुर से जिनके नीचे से पानी चल रहा है और यहाँ व्यवस्था बहुत ख़राब थी। मेरी गायें जो है जंगल में चुगने के लिए जैसे ही वो जा रही थी तो एकदम उस डंपर ने, ट्रक ने जो है उसको कुचल दिया बहुत बुरी तरीके से, और जब ये कुचल दी वो ऐन मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह है कि हम लोग रात को भी गश्त पर रहते हैं, हम लोगों की टीमें लगी हुई हैं, दिन में भी गश्त पर रहते हैं, रात में भी गश्त रहते हैं, कहीं से कोई अगर शिकायतें आती हैं तो उस पर प्रॉपर जो है कार्रवाई की जाती है और जो भी ट्रक बिना रॉयल्टी रवन्ने के पाए जाते हैं वो भी सीज़ होते हैं, और किसी भी तरह का कोई अवैध यदि खनन होता हुआ पाया जा रहा है या इल्लीगल इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती की पाई जा रही है तो उस पर हम लोग निरंतर कार्रवाई करते हैं। थोड़ा सा ये है कि जैसे इस क्षेत्र की बात जो आज निकल करके आई है ये ओवरलोडिंग को लेकर के और भीगा हुआ माल ले जाने का, तो इस पर भी हम लोग जो है अब निरंतर आगे कार्रवाई अमल में लाएंगे। अभी ये वाहन ट्रक है जिसे कब्जे में ले लिया गया है, इसके द्वारा यहाँ गाय की टक्कर लगने से मृत्यु हो गई है।
तो इस पर कुछ लोगों का आक्रोश था कि यहाँ से भारी वाहन गुजरते हैं। इसके संबंध में गाँव वालों से बातचीत करके समाधान निकाल लिया गया है, अब यहाँ से हटा रहे हैं। नानकमत्ता में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 6 दिन पहले हुई ज्वेलर्स और उसके 3 परिजनों की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मृतक ज्वेलर के दोस्त और उसके 3 साथियों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ज्वेलर्स के दोस्त ने लूटपाट के इरादे से ये हत्याएं की थी। हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को DGP ने 10,000 और नानकमत्ता विधायक प्रेम सिंह राणा ने 11,000 का नकद पुरस्कार दिया है। जो सरगना है रानू रस्तोगी है, उसके साथ साथ विवेक और राहुल, इन दोनों को अरेस्ट हमने कर लिया है। सचिन सक्सेना जो है एक इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, यूपी में इसके विरुद्ध लूट मर्डर गैंगस्टर एक्ट और 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। ऐसे अब इसका आपराधिक इतिहास है, उसको भी हम बहुत जल्दी उसके अरेस्टिंग करेंगे। इसमें जैसे लूट की घटना लूट कार्य करने की दृष्टिगत ये मामला किया गया था, इसमें 40,000 के लगभग पैसा बदमाशों ने लोगों ने ले लिया था, उसमें 35,000 की हमने रिकवरी कर ली है, बरामद कर लिया है। और घटना में प्रयुक्त वैगनार तो आला कत्ल है, कुनाल और कपड़ा हमने बरामद कर लिए हैं। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में घूमने पहुंचे 28 पर्यटक कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग संक्रमित पर्यटकों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालने में जुट गया है। बड़ी संख्या में संक्रमित पर्यटकों की सूचना से होटल रिजॉर्ट और जंगल कैंप संचालकों में भी बेचैनी बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जल्द ही पर्यटकों के संपर्क में आए लोगों को और उन होटल रिजॉर्ट और जंगल कैंप के कर्मचारियों के सैंपल भी जाँच के लिए भेजेगा, जहाँ जहाँ पर्यटक रुके थे और ठहरे थे। ये सर हमारा ये करूट चट्टी चेक पोस्ट है और उस पर आने जाने वालों की हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। अभी 2 दिन पहले हमने सैम्पलिंग की थी तो उसमें बाहरी लोग ज़्यादा थे जो कि नए वर्ष पे आए थे, इधर मोहन चट्टी रत्ता पानी इस तरफ रुके हुए थे। इसमें 28 लोग पॉजिटिव होने की सूचना हमें आज प्राप्त हुई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम लोग अभी कर रहे हैं कि बाकी पूरी जो भी विस्तृत जानकारी होगी वो फिर बताई जाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।